नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में एग्जाम पॉइंट ऑफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, उसे डील करेंगे। तो ध्यान से पूरे टॉपिक को समझना है, नए कंसेप्ट को आप सबको नोट डाउन करते जाना है। तो ऐसा कौन सा टॉपिक होगा सर जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट होगा? तो नाम रहेगा ऑब्स्ट्रक्टिव क्रिप। नाम सुना ही होगा, तो हेडिंग लगा लें सारे विद्यार्थी, ऑब्स्ट्रक्टिव ग्रिप। सर, ये ऑब्स्ट्रक्ट ग्रिप का मतलब क्या होता है? अरे हाँ भैया जी, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर बच्चे के अंगों का पता कर रहे हैं कि बच्चा सीधा है, घुमा हुआ है, उल्टा है, टिल्टा है, कैसा है, कैसे पता करोगे? तो सर ऑब्स्ट्रक्ट ग्रिप काम में लिया जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिकल ग्रिप का मतलब क्या हो गया? बच्चे की कंडीशन को देखेंगे, कौन सा पोजिशन होगा, कौन सा प्रेजेंटेशन होगा, डिसेंट हो रहा है, इंगेजमेंट हो रहा है, क्या मौजूद है, क्या नहीं। क्लियर हो गया? इसी का दूसरा नाम बोला जाता है लियोपोल्ड मैनेवर। क्या बोला जाता है इसी को? तो नेक्स्ट लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो नोन एज लियोपोल्ड मैनेवर्स। याद रखिएगा, चाहिए एग्जामिनर आपसे लियोपोल्ड मैनेवर पूछे, चाहिए आपको ऑब्स्ट्रक्टिकल ग्रिप पूछे, ऑब्स्ट्रक्टिकल बोल दो, चाहिए ऑब्स्ट्रक्ट ग्रिप बोल दो, सेम ही चीज रहेगी मेरे दोस्त। ग्रिप का मतलब अपन नहीं बोलते हैं क्रिकेट खेलते टाइम हाथों की ग्रिप बनना, वही वाली ग्रिप है। तो इसके अंदर क्या होगा, कैसे होगा, ये चीज अपन डील करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि इस कंडीशन के अंदर सर ये कब करना चाहिए, तो बेस्ट टाइम क्या होगा? तो सबसे पहले लिखिएगा बेस्ट टाइम फॉर। अब हर जगह मेरे दोस्त में लियोपोल्ड मैनेवर आपका नाम है, इसको क्या नाम दे दूंगा? एलपी नाम दूंगा। याद रखिएगा, लियोपोल्ड मैनेवर की जगह हर जगह आपका एक वर्ड काम में लिया जाएगा जो नाम रहेगा एलपी, जिसे मैं कोष्टक में क्या लिख सकता हूं सर? एलपी। एलपी का मतलब समझ जाना, लियोपोल्ड मैनेवर के बारे में बात हो रही है, लुइस फिलिप्स नहीं है। क्लियर है? अब याद रखिएगा, यहां सर बात करते हैं बेस्ट टाइम फॉर ग्रिप या एलपी, बेस्ट टाइम फॉर ग्रिप, तो जवाब क्या चाहना चाहिए सर? 28 वीक ऑफ गेस्टेशन। जब फीमेल 28 वीक ऑफ गेस्टेशन की एज गुजार जाती है तो उसके बाद ये परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट सर, ये अच्छी बात बता दी आपने, नेक्स्ट और क्या इंपॉर्टेंट चीज होगी? तो पोजीशन कौन सी देनी चाहिए उन फीमेल को, यानी उन भाभी जी को जिनमें आप ये परफॉर्म कर रहे हो? तो उसको पोजिशन दी जाती है डोर्सल रिकमेंडेड। कौन सी पोजिशन दी जाएगी मेरे दोस्त? तो जवाब देना है डोर्सल कौन सी दोगे? डोर्सल रिकमेंडेड नाम की पोजीशन दी जाती है। क्लियर है? यानी फीमेल को सुपाइन पोजीशन देने के साथ में उसके पैरों को फ्लेक्स कर देना और पैरों को थोड़ा सा एक्सपांड कर देना, ये वाली डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन दोगे। नेक्स्ट सर, उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन देना है क्या? हाँ मेरे दोस्त, इंस्ट्रक्शन देना है। इंस्ट्रक्शन क्या दोगे? इंस्ट्रक्शन क्या देकर क्या होगे? तो आपका जवाब जाएगा सर, इंस्ट्रक्शन बोलना है यूरिनेशन का। यानी ये परफॉर्म करने से पहले उन्हें क्या बोलना है कि भाभी जी अपने यूरिनरी ब्लडर को खाली कर दो ताकि हम अच्छे से नन्हे मुन्ने को पालपेट कर पाएंगे। तो यहां क्या बोलना है? यूरिनेशन। यूरिनेशन यानी ब्लडर को एम्प्टी करना, यूरिनेशन बोल दो या ब्लडर को एम्प्टी करना। नेक्स्ट सर, इसके दौरान कौन सी टेक्निक काम में ली जाएगी, यानी लियोपोल्ड मैनेवर करने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज होता है? तो आपका जवाब क्या जाएगा? तो जवाब देना है पाल्पेटेशन या पाल्पेशन। कौन सी टेक्निक काम में लोगे? तो पाल्पेशन काम में लेना, यानी ऐसा नहीं जोर जोर से उसे प्रेग्नेंट लेडी के एब्डोमेन को दबा दिया, आराम से पाल्पेट करना है, फील करनी है चीजों को। तो पाल्पेशन, यूरिनेशन, डोर्सल रिकमेंडेशन और 28 वीक ऑफ गेस्टेशन। क्लियर हो गया? तो ये तो मैंने कॉमन सी चीजें बता दी है कि क्या क्या काम होगा, क्या पढ़ रहे हो, ऑब्स्ट्रक्टिकल ग्रिप या लियोपोल्ड मैनेवर, कब करना है 28 वीक पे पोजीशन, डोर्सल रिकमेंडेड नाम की पोजीशन, यूरिनेशन और पाल्पेशन देंगे। चलेगा, नेक्स्ट अगर मेरे दोस्त बात कर लेते हैं सर इसके अंदर, अगर नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं नंबर ऑफ लियोपोल्ड मैनेवर कितने होंगे, कितने प्रकार के होगा? तो याद रखिएगा, अगर बात कर लेते हैं लियोपोल्ड होंगे कितने, लियोपोल्ड कितने देखने को मिलेंगे, तो ये चार होते हैं। ये कितने प्रकार का देखने को मिलेगा सर? चार प्रकार का देखने को मिलेगा। कितने प्रकार का देखने को मिलेगा मेरे दोस्त? चार प्रकार का। कौन कौन सा होगा? तो पहला लिखिएगा इसके अंदर, पहला अगर
इसे बोलोगे एलपी फर्स्ट। दूसरे नंबर का होगा उसे नाम क्या दे दोगे, तो जवाब देना है लिवोपोल्ड मेनवर सेकंड। तीसरे नंबर वाले को नाम क्या दे दोगे, तो नाम देना है लिवोपोल्ड मेनवर थर्ड। और फोर्थ वाले का नाम क्या दे दोगे, तो मेरे दोस्त जवाब देना है सर लिवोपोल्ड मेनवर फोर्थ, लिवोपोल्ड मेनवर फोर्थ। तो ये चार प्रकार की ऑब्स्ट्रक्टल ग्रिप अपन आज की क्लास में पढ़ेंगे, जो छोटी सी क्लास होगी लेकिन बहुत जानदार होगी, बहुत इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ से। लिवोपोल्ड मेनवर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, सॉरी चलेगा, कुछ यहां इन्हीं के दूसरे नामकरण होते हैं मेरे दोस्त, वो नामकरण में यहीं पे आपके सॉर्ट आउट करवा देता हूं। सर और कौन कौन से नाम होते हैं, लिवोपोल्ड मेनवर फर्स्ट को ही बोला जाता है फंडल ग्रिप, इसी को आप लोग क्या बोलोगे, तो जवाब देना है सर इसी को बोला जाता है फंडल ग्रिप। चलेगा, क्या बोल दिया, लिवोपोल्ड मेनवर फर्स्ट बोल दो या फंडल ग्रिप बोल दो, दोनों सेम ही चीज है। नेक्स्ट सेकंड को मेरे दोस्त और क्या बोला जाता है, तो सर इसको लिवोपोल्ड मेनवर सेकंड या इसे बोला जाता है लेटरल ग्रिप। क्या नाम दे दोगे, नाम क्या दे दोगे, लेटरल ग्रिप। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा लिवोपोल्ड थर्ड को क्या नाम दिया जाता है, तो इसको बोला जाता है पेल्विक सेकंड। इसे क्या बोला जाता है, तो जवाब देना है पेल्विक, इसका नाम होता है पेल्विक सेकंड। क्लियर हो गया, क्या नाम होता है पेल्विक सेकंड, और इसका नाम क्या होता है, तो जवाब देना है पाउलिक, इसका दूसरा नाम क्या होता है पाउलिक ग्रिप। सबके आगे ग्रिप लग रहा है, तीसरी नंबर की लिवोपोल्ड मेनवर थर्ड बोल दो या उसी को पेल्विक सेकंड बोल दो या उसी को क्या बोल दो पाउलिक ग्रिप बोल दो। लास्ट में लिखी हुई है चार नंबर वाली ग्रिप, चार नंबर वाली ग्रिप को नाम क्या दे दोगे, तो जवाब देना है सर इसे बोला जाता है पेल्विक फर्स्ट। क्या बोला जाएगा, पेल्विक, पेल्विक फर्स्ट बोलोगे, और इसे क्या बोलोगे, तो इसे नाम दिया जाता है ट्रू पेल्विक, या इसे नाम क्या दिया जाता है ट्रू पेल्विक नाम दिया जाता है। याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से ये ग्रिप मेरे दोस्तों। मैंने क्या बतानी शुरू कर दी है, सर आप लोग मुझे लिवोपोल्ड मेनवर पढ़ा रहे हो, टाइप ऑफ लिवोपोल्ड मेनवर तो चार होगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट को ही क्या बोलोगे, तो जवाब देना है सर इट इज ऑल्सो नोन एज फंडल ग्रिप। सेकंड को क्या बोलोगे, इट इज ऑल्सो नोन एज लेटरल ग्रिप। थर्ड को क्या नाम दे दोगे, सर इट इज ऑल्सो नोन एज सेकंड पेल्विक ग्रिप। इट इज ऑल्सो नोन एज पाउलिक ग्रिप, इट इज ऑल्सो नोन एज पाउलिक ग्रिप। नेक्स्ट लास्ट में लिखा हुआ है फोर्थ को क्या बोलोगे, सर लिवोपोल्ड फोर्थ, उसी को क्या बोलोगे पेल्विक फर्स्ट, और उसी को क्या बोलोगे ट्रू पेल्विक। क्लियर हो गया, तो इनके तो तीन तीन नाम है और इनके दो दो नाम है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, कोई शंका शर्म कंसेप्ट में कम नहीं, नहीं अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब वापस से हेडिंग लगाएगा तमाम विद्यार्थी फर्स्ट वाली, अब वापस से हेडिंग कौन सी पढ़ोगे, तो जवाब देना है सर लिवोपोल्ड मेनवर फर्स्ट। कौन सी पढ़ेंगे, सर लिवोपोल्ड मेनवर फर्स्ट पढ़ेंगे। इसका नाम आपने क्या दिया था कि इट इज ऑल्सो नोन एज फंडल ग्रिप, इसको ही क्या लिखोगे, इट इज Also known as fundal grip. Fundal grip. इसी को मेरे दोस्त नाम क्या दे दिया, तो सर इसको नाम दे दिया है fundal grip. चलेगा, फंडल ग्रिप क्यों बोला वो भी अभी मैं बता दूंगा डायग्राम के साथ। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा इस ग्रिप में क्या देखा जाता है, इस ग्रिप में क्या देखा जाता है, तो आपको जवाब देना है एग्जामिनर की फिक्स लैंग्वेज आती है व्हाट इज प्रेजेंट इन द फंडस। फंडस में, मां के फंडस, फंडस का मतलब यूट्राइन बॉडी। अगर मैं यूट्रस बना देता हूं तो ये यूट्रस होता है, ये यूट्रस का जो ये वाला हिस्सा होता है ना दोस्तों, ये लीजिएगा मैं पिंक कलर का बना देता हूं, ये जो पिंक कलर का यूट्रस का ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे क्या बोला जाता है फंडस। तो आपको पता करना है इसमें क्या मौजूद है, ये कौन सी ग्रिप से पता करोगे, तो आपका जवाब क्या जाएगा सर लिवोपोल्ड फर्स्ट से। तो इसके अंदर लिखेगा use this grip to assess what is present in fundus, या what is present at fundus, fundus में क्या मौजूद है वो आपको पता करना है। तो कौन सी काम में लोगे, सर लिवोपोल्ड फर्स्ट काम में लेंगे। क्लियर हो गया,
फंडस में क्या मौजूद है ये पता करना है, तो कौन सी काम में लोगे, तो जवाब देना है सर लियोपोल्ड फर्स्ट काम में ली जाएगी। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी ध्यान से समझिएगा, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। एग्जामिनर की पेटेंट लाइन आती है, व्हाट इज प्रेजेंट इन द फंडस, फंडस में क्या मौजूद है, तो जवाब देकर कहना सर फंडस में अभी ढूंढेंगे। तो यहां मेरे दोस्त आपको दो चीजें मिल सकती है, जब आप फंडस किसी भी फीमेल का फंडस देखोगे दो चीजें आपको देखने को मिल सकती है, और वो कौन सी हो सकती है, एक तो मिल सकता है बच्चा लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब सर बच्चा खड़ी वाली पोजीशन में है, मेरे कहने का मतलब या तो नन्ना मुन्ना ऐसे नजर आ सकता है और या फिर नन्ना मुन्ना सर ऐसे नजर आ सकता है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, ध्यान से देखिएगा ये जो मैं डायग्राम बनाया है ये वापस से अभी ड्रॉ कर दिया जाएगा आपके सामने अच्छे से। मैंने क्या बोला, एक लॉन्गिट्यूडिनल और दूसरा देखने को मिल सकता है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स का मतलब सर बच्चा क्या हो गया, अरे हॉरिजॉन्टल पोस्चर में, अगर बच्चा वर्टिकल पोजीशन में आएगा मेरी तरह, अब जैसे मैं नजर आ रहा हूं, आप कहां देख रहे हो सर फंडस में, तो जब फंडस में देखोगे तो आपके हाथ कहां रहेंगे सर, मदर के हेड, हेड की साइड में। एग्जामिनर के हाथ कहां रहेंगे, पेटेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर के हाथ जब मदर के हेड की साइड में और फंडस पे हैं तो आप दो ही चीज असेस कर पाओगे। देखिएगा सर अगर बच्चे का हमें क्या फील होगा, तो यहां दो चीजें फील होगी, यहां बच्चे की दो चीजें फील होगी, या तो बच्चे का हेड और या क्या फील होगा सर बच्चे के बटक, या क्या फील होगा सर बच्चे के बटक फील होंगे। क्लियर हो गया, अगर बच्चे का हेड फील होगा तो आपको कैसा लगेगा, हार्ड लगेगा सर। अरे बच्चे का हेड होगा तो कैसा होगा सर, रेगुलर होगा, बच्चे का हेड होगा तो कैसा होगा, रेगुलर होगा। वहीं पे अगर बच्चे के, अरे सर बच्चे के बटक आ रहे हैं तो कैसा देखने को मिलेगा, सॉफ्ट सॉफ्ट, अरे टुट्टू के बटक सॉफ्ट सॉफ्ट, अरे टुट्टू के बटक इररेगुलर देखने को मिलेंगे, अरे टुटू के बटक कैसे देखने को मिलेंगे, इरेगुलर। ध्यान से समझिएगा सर, हमने माँ के फंडस वाले हिस्से में देखा अगर बच्चे की मुंडी ऊपर आई तो वहां हमें हार्ड हार्ड फील होगा, भारी भारी, और हेड होता है तो रेगुलर होता है ना, हाथ घुमा के देखोगे तो एकदम बराबर लगेगा। हाँ वहीं पे सर अगर बटक होते तो हमें कैसा फील होता, सॉफ्ट सॉफ्ट लगता, और कैसा लगता, इरेगुलर। इरेगुलर क्यों, क्योंकि उभरे हुए बटक देखने को मिलता। वहीं पर सर अगर बच्चा ट्रांसवर्स पोजिशन में होता तो वहां हमें क्या मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। अगर बच्चा वहां ट्रांसवर्स पोजीशन में होता तो हमको वहां कुछ भी नजर नहीं आता, कुछ भी नजर कैसे नहीं आएगा वो समझेगा। ये समझ गए यहां तक की चीजें, चलेगा। अगर मैं बात कर लेता हूं मेरे दोस्त, यहां आप असेसमेंट कर रहे हो, ये मां की यूट्राइन बॉडी, अगर देखिएगा एक बच्चा तो ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है सर, दूसरी मां की यूट्राइन बॉडी ये वाली, ये दूसरी मां की यूट्राइन बॉडी जिसमें बच्चा कैसा है सर, ये ऐसा देखने को मिल रहा है। और तीसरी बच्चा कैसा देखने को मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, तीसरा बच्चा कैसा देखने को मिला, ये यूट्राइन बॉडी और बच्चा कैसा है ऐसा नजर आया, ये देखिएगा। इसको नाम क्या दे दोगे, ये दोनों की दोनों पोजीशन क्या कहलाएगी, तो जवाब देना है सर लॉन्गिट्यूडिनल। जिन बच्चों को आज से पहले समझ में नहीं आया था आज सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये बच्चा क्या कहलाएगा सर, ट्रांसवर्स कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा मेरे दोस्त सर, ट्रांसवर्स कहलाएगा। अब देखिएगा लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब लंबा लंबा। एग्जामिनर के हाथ कहां नजर आ रहे हैं सर, यहां एग्जामिनर के हाथ नजर आ रहे हैं। अरे एग्जामिनर के हाथ कहां नजर आ रहे हैं, तो जवाब देकर के क्या हो गए, यहां एग्जामिनर के हाथ जा रहे हैं मेरे दोस्त, एग्जामिनर के हाथ कुछ इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। एग्जामिनर के हाथ कुछ इस प्रकार से देखने को मिला। अगर बच्चे की मुंडी ऊपर होगी तो आपको क्या फील हो जाएगा सर, हार्ड और रेगुलर फील होगा। या बच्चे का हेड ऊपर है सर, अगर बच्चे के बटक ऊपर होंगे तो हमें कैसा फील होगा, सॉफ्ट सॉफ्ट फील होगा ना। हाँ और कैसा होगा सर, इरेगुलर फील होगा। लेकिन जब बच्चा ट्रांसवर्स में हो गया और एग्जामिनर अपने हाथों को यहां लेकर के बैठा है और ढूंढ रहा है कि कुछ भी नजर नहीं आया, यहां ढूंढ रहा है, तो उसे क्या मिलेगा सर, फंडस खाली खाली मिलेगा। क्योंकि बच्चा तो साइड में या नीचे है, बच्चा तो साइड में, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ऊपर तो माल मसाला खाली पड़ा है। तो अगर इस प्रकार का बच्चा रहा तो वो क्या देखने को मिलेगी, एम्प्टी देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। अगर मैं यहां इस कंडीशन में आपको बोल देता हूं एग्जामिनर अपने हाथों को कैसे काम में लेगा, तो सर इसमें एग्जामिनर के हाथ होते हैं पेशेंट के हेड की साइड में, यहां क्या लिखोगे, एग्जामिनर हैंड टूवर्ड पेशेंट हेड साइड,
हेड साइड। अरे आपके मरीज आपके हाथ कैसे होंगे सर? हमारे हाथ मरीज के गर्दन की तरफ, मरीज के सर की तरफ जाएंगे। देखो ये माँ का फंडस, माँ के फंडस से आगे क्या आएगा सर? ऊपर वाला हिस्सा आकर के माँ की मुंडी आएगी। तो अगर आपको एग्जामिनर के हाथ माँ की मुंडी की तरफ नजर आते हैं, वो कौन सी है? लिवोपोड मैनवर फर्स्ट। किसके बारे में जानकारी दे रही थी सर? हमें जानकारी दे रही थी व्हाट इज प्रेजेंट इन द फंडस, फंडस में क्या मौजूद है। तो या तो सर मौजूद है या बटक या कुछ भी नहीं, ये तीन चीजें, तीन रिजल्ट देखने को मिले। ये फर्स्ट लिवोपोड आपकी कंप्लीट होती है जो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। फंडस ग्रिप मेरे दोस्त इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। देखिएगा ये आपका बच्चा और मां क्या एग्जामिनर क्या फील कर रहा है। सर ये एग्जामिनर के हाथ हैं। अरे ये हाथ किसके नजर आ रहे हैं मेरे दोस्त? जी हां कातिया के नहीं है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ये हाथ कातिया के हैं। अरे कातिया के नहीं है मेरे दोस्त, ये एग्जामिनर के हाथ हैं। जो एग्जामिनर क्या कर रहा है? पालपेट कर रहा है। और किस साइड में कर रहा है? मदर के हेड की साइड में कर रहा है। इसको नाम आप लोग क्या दोगे सर? इसे ही तो बोलेंगे लिवोपोड। क्या बोलोगे? लिवोपोड फर्स्ट। या इसी को क्या नाम दे दोगे? फंडल ग्रिप। या इसी को क्या नाम दे दोगे? फंडल ग्रिप नाम दे दोगे। फंडल ग्रिप क्यों बोला? क्योंकि फंडस वाले हिस्से को पालपेट कर रहे थे। फंडस ग्रिप क्यों बोली? क्योंकि फंडस वाले हिस्से को पालपेट कर रहे थे। दैट्स क्लियर। ये आपका फर्स्ट लिवोपोड मैनवर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं दो नंबर पे। नेक्स्ट अपन सेकेंड नंबर पे बात करते हैं। सेकेंड वाले का नाम क्या देखने को मिला है? लिवोपोड सेकेंड। सेकेंड वाले को क्या नाम दिया सर? लिवोपोड सेकेंड। अरे मेरे दोस्त उसी को क्या बोलोगे? तो सर इट इज ऑल्सो नोन एज लेटरल ग्रिप। इसी को क्या बोलोगे सर? लेटरल ग्रिप बोलेंगे। तो लिखो इट इज ऑल्सो नोन एज लेटरल ग्रिप। इसी को क्या बोलोगे सर? इसी को लेटरल ग्रिप बोलेंगे। लेटरल का मतलब साइड में। या इसी को क्या बोल सकते हो? अम्बिलिकल ग्रिप। या इसी को क्या बोल सकते हो? तो जवाब देना सर लेटरल को ही अम्बिलिकल बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट लिख सकते हो इट इज ऑल्सो नोन एज अम्बिलिकस ग्रिप। अम्बिलिकस ग्रिप। अम्बिलिकस ग्रिप क्यों बोला? क्योंकि अम्बिलिकल रीजन के आसपास पालपेट करेंगे। इसमें भी क्या देखेंगे? इसमें भी एग्जामिनर के हाथ कहां रहेंगे सर? एग्जामिनर के हाथ पेशेंट के हेड की साइड में होंगे। तो यहां लिख सकते हो एग्जामिनर हैंड। एग्जामिनर हैंड की साइड में देखने को मिलेंगे। पेशेंट हेड साइड। पेशेंट हेड साइड। अरे टुवर्ड द पेशेंट हेड। अगर आपसे पूछे एग्जामिनर के हैंड कहां होंगे तो टुवर्ड द पेशेंट हेड, मरीज के सर की तरफ जाएंगे। सर यहां क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा? यहां क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा? तो समझिएगा मेरे दोस्त, यहां समझ रहे हो? नाम क्या बता दिया सर? लिवोपोड सेकंड को ही नाम क्या दे दिया? लेटरल ग्रिप। इसी को नाम क्या दे दिया? अम्बिलिकस ग्रिप। और एग्जामिनर के हाथ कहां है? मरीज के हेड की साइड में। अरे एग्जामिनर के हाथ कहां है? मरीज के हेड की साइड में। चलेगा यहां आपको रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा मेरे दोस्त? सर एक रिजल्ट तो लॉन्गिट्यूडिनल, क्योंकि बच्चा दो ही कंडीशन रहेगी मेरे दोस्त, या तो सीधा उल्टा रहेगा या तिरछा रहेगा। और या दूसरा क्या देखने को मिलेगा? ट्रांसवर्स। या दूसरा क्या देखने को मिलेगा? ट्रांसवर्स। अभी समझाया था ना लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब सर ऐसा। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब ये बच्चे की मुंडी, ये बटक। या क्या देखने को मिला सर? ये बच्चे के बटक और ये बच्चे की मुंडी। और ट्रांसवर्स का मतलब ये बच्चे की मुंडी और ये बच्चे के बटक। यही तो चीजें बताई थी। हाँ सर यही चीजें बताई थी, यही तो चीजें मैंने आपको बताई थी। हाँ तो अगर बच्चे की मुंडी देखने को मिलेगी ऊपर और नीचे बटक, तो आप पालपेट कहां कर रहे हो? अम्बिलिकस के आसपास। तो अम्बिलिकस के आसपास आपको दो चीजें नजर आएगी। यहां दो चीजें कौन सी आएगी? अगर बच्चे की बैक साइड देखने को मिली है, अगर बच्चे की बैक साइड आई है, कौन सी साइड आई है सर? बैक साइड आएगी तो क्या देखने को मिलेगी? रेगुलर। अगर बच्चे की बैक साइड है तो रेगुलर। जैसे कि सर बच्चे की पीठ है, हमारे हाथ की साइड बच्चे की क्या फील हो रही है? पीठ। तो पीठ कैसी फील होगी सर? एक कर्व में, एक लंबे शेप में अच्छा सा फील होगा, हार्ड फील होगा। वहीं पे अगर मान लो कि अगर एंटीरियर पार्ट फील हो रहा है, बैक साइड होगी, और यहां क्या देखोगे सर? फ्रंट साइड फील हो रही है। फ्रंट साइड बोल दो चाहे एंटीरियर बोल दो, जब फ्रंट साइड फील होगी तो उस टाइम में क्या देखने को मिलेगा सर? आगे बच्चे के हाथ है, बच्चे के पैर है, सॉफ्ट सॉफ्ट पेट है, ये सारी चीजें। तो टू मेनी पार्ट्स फील होंगे। क्लियर हो गया? यहां बच्चे के क्या फील होंगे सर? यहां बोलोगे टू मेनी पार्ट्स।
टू मेनी पार्ट्स, बहुत सारे मरीज के पार्ट्स फील होंगे बच्चे के। अरे समझ रहे हो ना, अगर बच्चे की पीठ को पालपेट करोगे तो कैसा लगेगा? सर एक ही सीक्वेंस में रेगुलर पार्ट फील हो रहा है, हार्ड हार्ड। आगे की साइड में देखोगे तो क्या फील होगा? तो टू मेनी पार्ट्स, सर दो हाथ हैं दो पैर हैं तो टू मेनी पार्ट्स हो गए। ये तो क्या कंडीशन हो गई? जब बच्चा खड़ा रहेगा, जब बच्चा मां के पेट में खड़ा खड़ा है, दूसरी बच्चे मां के पेट में पड़ा पड़ा है, दूसरी बार मां के बच्चा मां के पेट में पड़ा पड़ा है, तो पड़े पड़े में क्या होगा? तो सर एक साइड में हेड फील होगा, दूसरी साइड में बटक। अभी मैंने बता दिया था कैसा कैसा फील होता है। यहां दो चीज फील हो सकती है, एक तो बच्चे का हेड फील हो सकता है, दूसरा बटक फील हो सकता है। दूसरा क्या फील हो सकता है? बटक। क्लियर हो गया? हेड होगा तो रेगुलर हार्ड होगा, बटक होगा तो सॉफ्ट देखने को मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? क्लियर है? अब ये कंडीशन कैसे हुई तो वापस से देखिएगा, मैंने यहां पर आप लोगों को ये इमेज बनाया था। यहां देखिएगा, ये जब बच्चे का क्या कर रहे थे, फंडल ग्रिप के दौरान आपके हाथ ऊपर थे, लेटरल ग्रिप के दौरान आपके हाथ कहां है? सर अराउंड द अम्बिलिकस साइड में, अराउंड द अम्बिलिकस। और हाथ कहां देखने को मिले? साइड में। तो मेरे दोस्त जब साइड से फील करोगे तो बच्चे की बैक फील होगी उस टाइम में, तो आपको रेगुलर पैटर्न फील होगा। और आगे की साइड में देखोगे तो सर यहां बच्चे के दो तो हाथ नजर आ गए और यहां बच्चे के दो पैर नजर आ गए, तो टू मेनी पार्ट्स। और जब बच्चा ट्रांसवर्स में होगा तो परफेक्ट, हमारे हाथ भी यही है और बच्चे की मुंडी और बटक भी यही है। क्लियर हो गया? तो ये वाली चीज इस प्रकार से आप लोगों को फील करना है। तो यहां हेड और बटक हो सकते हैं जब बच्चा ट्रांसवर्स में होगा, लॉन्गिट्यूडिनल में होगा तो बैक और फ्रंट साइड का ये चीज देखने को मिलेगा। That's clear. अब नजारा कैसा होगा तो देखिएगा दोस्त, जब मां की अम्बिलिकस के आसपास एग्जामिनर के हाथ रखे हुए हैं लेकिन हैंड का डायरेक्शन क्या होगा, तो फिर से देखिएगा सर हैंड का डायरेक्शन तो वही नजर आएगा। अरे हैंड का डायरेक्शन तो क्या देखने को मिला है, ये देखिएगा टुवर्ड द फेस साइड। अरे एग्जामिनर के हाथ कहां नजर आ रहे हैं, तो जवाब देना है सर एग्जामिनर के हाथ तो मरीज के फेस साइड में। इसका नाम क्या दे दिया, तो जवाब देना है सर इसे नाम दिया लिवोपोड मैनवर सेकेंड, सॉरी, या इसी को नाम क्या दे दिया, अम्बिलिकल ग्रिप, या इसी को नाम क्या दे दिया, लेटरल ग्रिप, या इसी को नाम क्या दे दिया सर, लेटरल ग्रिप। समझ गए? तो ये दो ग्रिप आपकी कंप्लीट होती है, फंडल ग्रिप और लेटरल। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे दोस्त तीन नंबर की ग्रिप, जिसका नाम क्या देखने को मिलेगा, तो लिखिएगा लिवोपोड, लिवोपोड थर्ड। तीसरे नंबर की ग्रिप का एक नाम तो ये हमें पता ही है सर, लिवोपोड थर्ड बोलते हैं, चलेगा। इसी ग्रिप को क्या बोला जाता है, और कुछ बोलते हो क्या? जी हां, इसी ग्रिप का नाम क्या देखने को मिलेगा, तो लिखेगा इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज पेल्विक सेकेंड, पेल्विक सेकंड। सर इसी को पेल्विक सेकंड बोलेंगे, तो पेल्विक फर्स्ट किसको बोलेंगे, फोर्थ को। नेक्स्ट इसका दूसरा नाम क्या देखने को मिलेगा मेरे दोस्त, तो नेक्स्ट लिखेगा इट इज ऑल्सो नोन एज पाउलिक ग्रिप, इट इज ऑल्सो नोन एज पाउलिक ग्रिप। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका ग्रिप का, याद रखिएगा एग्जामिनर की फेवरेट फोटो है, इतिहास उठा के देख लेना लिवोपोड मैनवर का, हर पेपर में क्वेश्चन मिला है और पाउलिक ग्रिप का फोटो जरूर मिला है। पाउलिक ग्रिप क्यों बोला, क्योंकि यहां पर एग्जामिनर सिंगल हैंड यूज करता है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट इसी के अंदर नोट कीजिएगा, सिंगल हैंड यूज बाई इन एग्जामिनर, क्या लिखोगे, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम यानी पहली बार, फर्स्ट टाइम सिंगल हैंड यूज बाई एग्जामिनर, एग्जामिनर पहली बार, एग्जामिनर पहली बार एक हाथ का उपयोग कर रहा है। एक हाथ कैसे, बस ऐसे बच्चे की मुंडी को पकड़ लेगा, बच्चे के बटक को पकड़ लेगा और पता करेगा। ये वाली ग्रिप क्या कहलाती है, तो सर इसे नाम देंगे पेल्विक सेकंड। इसी ग्रिप को क्या बोलोगे, तो पाउलिक ग्रिप बोलेंगे। अरे इसमें एग्जामिनर कितने हाथ काम में लेता है, अरे जी हाँ, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ठाकुर को भी नहीं दिया और यहां एक हाथ काम में लिया है, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा लिवोपोड थर्ड में क्या पता करोगे, 101% कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो लिवोपोड थर्ड के अंदर मेरे दोस्त असेसमेंट किया जाता है डिसेंट के बारे में, लिवोपोड थर्ड हमेशा जानकारी देती है डिसेंट के बारे में, तो लिखिएगा इट गिव द इंफॉर्मेशन, इट गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट
डिसेंट, इट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट डिसेंट. याद रखिएगा डिसेंट का मतलब होता है मेरे दोस्त बच्चे का नीचे 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 आता रहना. कब तक? जब तक कि बाहर के एनवायरमेंट में नहीं निकल जाता, जब तक कि बच्चा डिलीवर नहीं हो जाता, बच्चे का नीचे आना क्या कहलाता है? डिसेंट कहलाता है. और मैक्सिमम गाइडलाइनों में गलत दे रखा है डिसेंट, आपको हर जगह एग्जामिनर कन्फ्यूज कर देता है. फोर्थ नहीं दे यार, अगर एग्जाम में जवाब देना है तो जवाब देकर के आना लियोपोल्ड थर्ड में इंक्लूड होगा डिसेंट. लियोपोल्ड थर्ड में क्या इंक्लूड होगा? डिसेंट. लेकिन एक शर्त होगी, डिसेंट का मतलब सर बच्चे का नीचे नीचे आना. लेकिन डिसेंट का पता करने से पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा कि इंगेजमेंट हुआ या नहीं हुआ. इंगेजमेंट का मतलब सगाई नहीं, इंगेजमेंट का मतलब इस्टियल स्पाइन में आकर के बच्चा अटका है या नहीं अटका, उसके बाद पता किया जाता है. तो ऑलवेज ऑलवेज डू बिफोर डिसेंट. कौन सी करोगे सर? फोर्थ मैनवर करनी पड़ेगी. तो याद रखिएगा डिसेंट का पता करने से पहले हमेशा कौन सी करोगे? इंगेजमेंट. तो असेस द इंगेजमेंट बिफोर परफॉर्मिंग क्या लिखा है मैंने दोस्तों यहां पर याद रखिएगा. असेस द इंगेजमेंट, पहले इंगेजमेंट को असेस करो बिफोर परफॉर्मिंग द परफॉर्मिंग दिस मैन्यूवर्स. इस मैन्यूवर को परफॉर्म करने से पहले क्या पता करो? इंगेजमेंट के बारे में पता करो. अगर इंगेजमेंट हो गया है तो फिर ये कर दो, इंगेजमेंट नहीं हुआ है ये मत करो. ध्यान से कंसेप्ट को पकड़ेगा, जो बच्चे कंसेप्ट को ले लेगा वो दुनिया के हर एग्जाम को उसकी मुंह तोड़ जवाब देकर के आएगा. जब इंगेजमेंट हो गया है तो आप डिसेंट का पता करो. यानी अगर मैं पूछ लूं पहले कौन सी, सर फर्स्ट, दूसरे नंबर सेकंड, उसके बाद कौन सी करनी चाहिए? फोर्थ. उसके बाद कौन सी करनी चाहिए? थर्ड. क्योंकि सर आपने लिख दिया ये डिसेंट के बारे में तो बताएगी, लेकिन उससे पहले पता करो इंगेजमेंट का. इसीलिए इसे नाम क्या दिया था मेरे दोस्त? पेल्विक सेकंड. इसीलिए नाम क्या दिया था? पेल्विक सेकंड. दैट्स क्लियर. तो डिसेंट के बारे में जानकारी कौन से लियोपोल्ड मैनवर में मिलती है? तो जवाब देकर के आना सर लियोपोल्ड मैनवर थर्ड में. किस में मिलती है? थर्ड में. चलेगा यहां पर आपका कैसा माहौल देखने को मिलेगा तो ध्यान से देखिएगा, पहले मेरे द्वारा फिर एग्जामिनर के द्वारा. अगर यहां कंडीशन ये है सर हमारा टुट्टू है और टिट्टू की ये हेड है और ये मां की यूट्राइन बॉडी, ये एग्जामिनर का हाथ नजर आया. अरे ये एग्जामिनर का क्या नजर आया सर? हाथ. अगर आपको ये वाला फोटो एग्जामिनर का फेमस है, ये क्या है सर? ये एग्जामिनर का हैंड है. ये क्या है मेरे दोस्त? सर ये एग्जामिनर का हैंड है. और ये बच्चे का क्या है? बटक है. ये वाली ग्रिप क्या कहलाती है? ये वाली ग्रिप क्या कहलाती है सर? इसे बोला जाता है लियोपोल्ड मैनवर थर्ड, पेल्विक सेकंड और पावलिक. दैट्स क्लियर. कैसा देखने को मिलेगा डायग्राम? तो कुछ ऐसा नजर आएगा. ये एग्जामिनर का सबसे फेवरेट इमेज है जो हर एग्जाम में पूछा गया है. इसे क्या नाम दे दोगे? तो थर्ड ग्रिप. इसे नाम क्या दे दोगे मेरे दोस्त? लियोपोल्ड थर्ड दे दोगे. चलेगा. इसी को नाम क्या दे दोगे? तो जवाब देना है सर पेल्विक सेकंड नाम दे दोगे. और अगर आपसे पूछे इसी को क्या बोलोगे तो जवाब देना है सर पावलिक बोलेंगे. इसी को क्या बोलोगे तो जवाब देना है सर पावलिक ग्रिप बोलेंगे. और यह जानकारी किसके बारे में देगी? डिसेंट. बच्चा नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे एग्जामिनर ने क्या कर रखा है? ये एग्जामिनर का हाथ है मेरे दोस्त. ये क्या है सर? एग्जामिनर का हाथ कुछ इस प्रकार से नजर दे रहा है और एग्जामिनर फील कर रहा है बच्चा नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा है. That's clear. तो ये तीन ग्रिप आप लोगों की कंप्लीट होती है. और लास्ट और अति महत्वपूर्ण फिर से ग्रिप कौन सी आएगी? चार नंबर. लास्ट नंबर पे चार नंबर की ग्रिप है जिसका नाम क्या देखने को मिलेगा? लियोपोल्ड फोर्थ. इसको नाम क्या दे दोगे सर? लियोपोल्ड फोर्थ दे देंगे नाम. लियोपोल्ड फोर्थ को ही कुछ बोलते हो? जी हाँ सर, आपने स्टार्टिंग में कुछ नाम बताए थे. लियोपोल्ड फोर्थ को ही क्या बोलोगे सर? इसे बोलेंगे पेल्विक फर्स्ट और इसे ही बोलेंगे ट्रू ग्रिप. तो नोट डाउन करें, क्या लिखोगे? इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रू ग्रिप. इसे ही क्या बोलोगे सर? इसे ट्रू ग्रिप बोला जाता है. ट्रू का मतलब सत्य है. जी हां, सही जानकारी सबसे ज्यादा यही देती है. नेक्स्ट, इसके बाद में इसी को क्या बोलोगे? इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज पेल्विक
पेल्विक फर्स्ट। पेल्विक फर्स्ट क्यों बोला? क्योंकि मैंने बताया था, अरे डिसेंट से पहले ये परफॉर्म करो, डिसेंट से पहले ये वाली परफॉर्म करो, ताकि आपको कुछ नई जानकारी मिलेगी। चलेगा नेक्स्ट। अब आपसे मैं पूछ लेता हूं, सर ये फोर्थ ग्रिप में जानकारी किसके बारे में मिलेगी? सब कुछ, जो चीजें आपने फंडस वाली देख ली, लेटरल वाली देख ली, डिसेंट देख ली, उसके अलावा प्रेजेंटेशन पूछ ले आपसे, पोजीशनिंग पूछ ले आपसे, एटीट्यूड पूछ ले, कुछ भी पूछ लिया जाएगा, वो सब कुछ इसमें देखने को मिलेगा। इसीलिए तो इसको ट्रू बोला है, इसीलिए तो इसको सबसे बेस्ट बोला है, इसीलिए तो इसको सबसे लास्ट में पढ़ा है। क्लियर है? तो यहां एक क्वेश्चन और बन जाता है कि सर इसके अंदर एग्जामिनर के हाथ किस साइड में रहेंगे? तो पहली बार फंडल ग्रिप, लेटरल ग्रिप में एग्जामिनर के हाथ सर मदर के फेस की साइड में थे, मदर के हेड की साइड में थे, ठीक है। लेटरल, उसके बाद में अपन ने पढ़ा पावलिक, पावलिक में पहली बार एग्जामिनर ने एक हाथ का यूज किया, और अब पहली बार एग्जामिनर के हाथ पेशेंट के, प्रेग्नेंट लेडी के, मदर के, क्लाइंट के पैरों की साइड में जाएंगे। तो इस साइड में क्या देखने को मिलेंगे? एग्जामिनर हैंड टुवर्ड द पेशेंट लेग। क्या लिखोगे? एग्जामिनर हैंड टुवर्ड द पेशेंट लेग साइड। किस साइड में देखने को मिलेंगे? सर मरीज के पैरों की तरफ पहली बार एग्जामिनर के हाथ जाएंगे। किस साइड में? पैरों की तरफ। तो इस बार फंडल में ऐसे कर रहे थे, इस बार क्या करोगे? ऐसे करोगे। क्लियर है? नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि सर इसमें जानकारी किसके बारे में मिलेगी? तो नेक्स्ट लिखेगा इट गिव द इंफॉर्मेशन, इट गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में देगी? तो जवाब देना है सर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के बारे में जानकारी देगी। सर ये किसके बारे में जानकारी देगी? एटीट्यूड, एटीट्यूड के बारे में जानकारी देगी। सर ये जानकारी किसके बारे में देगी? तो जवाब देना है प्रेजेंटेशन होगी, पोजिशनिंग, ये सर जानकारी किसके बारे में देगी? स्टार बना करके लिख लेना, इंगेजमेंट, किसके बारे में देगी? इंगेजमेंट। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, फिर से 100 बातों की एक बात, इंगेजमेंट के बारे में जानकारी। तो जवाब देना है सर पेल्विक फर्स्ट, लियोपोल्ड फोर्थ और ट्रू पेल्विक में मिलती है। क्लियर हो गया? और पहले इसे परफॉर्म करोगे, इंगेजमेंट का पता करोगे, फिर डिसेंट देखोगे। क्लियर हो गई मेरी बात? तो प्रेजेंटेशन, पोजिशनिंग, एटीट्यूड, ये सब जानकारी आप लोगों को कहां मिलेगी? सर फोर्थ वाली में मिलेगी। कहां मिलेगी? फोर्थ वाली में मिलेगी। क्लियर हो गया? अब यहां दो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी रिजल्ट के रूप में, और वो रिजल्ट दो मेरे दोस्त क्या देखने को मिलेगा? यहां देखिएगा, एग्जामिनर के हाथ तो मरीज के पैरों की साइड में कर दिए, अगर एग्जामिनर के हैंड, क्या लिख रहा हूं, एग्जामिनर, एग्जामिनर के हैंड क्या हो रहे हैं? डाइवर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है? डाइवर्जन हो रहा है, यानी हाथ एग्जामिनर के दूर दूर जा रहे हैं। तो यहां क्या बोल दोगे? यस इंगेजमेंट। क्या हो गया? इंगेजमेंट हो चुका है। और यहां आपके क्या देखने को मिल रहा है? एग्जामिनर, एग्जामिनर हैंड कन्वर्ज, एग्जामिनर हैंड कन्वर्जन, यानी आगे जाकर के एग्जामिनर के हाथ जुड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? नो इंगेजमेंट। क्या नहीं हुआ है सर? इंगेजमेंट नहीं हुआ है। याद रखिएगा मेरे दोस्त, अगर देखिएगा कैसे देखोगे सर, ये पहली बार क्या काम में ले रहे हैं? नीचे की तरफ हाथ काम में ले रहे हैं। देखिएगा, अगर इंगेजमेंट हो गया, यानी बच्चा नीचे आकर के इस्टियल स्पाइन पे अटक गया। इंगेजमेंट होने का मतलब क्या है? ये कोई फीमेल का पेल्विक है, ये मेरे दोस्त कोई फीमेल का क्या है सर? ये पेल्विक का इस्टियल स्पाइन बोले तो स्टेशन जीरो बोलेंगे, इसे नाम क्या दे देंगे? स्टेशन जीरो देंगे। क्लियर है? अगर बच्चे की मुंडी आकर के यहां अटक गई, ये देखिएगा, बच्चे की मुंडी आकर के कहां अटक गई सर? इस्टियल स्पाइन में। तो अब एग्जामिनर के हाथ कहां बता रहा हूं सर? एग्जामिनर के हाथ इस प्रकार से कुछ देखने को मिलेंगे। अरे एग्जामिनर के हाथ इस साइड में बाहर चले जाएगा, और ये भी हाथ क्या हो जाएगा सर? बाहर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे बच्चा आ चुका है, एग्जामिनर बोल रहा था पकड़ लूंगा, लेकिन आगे हाथ घूम गए। घूम गए मतलब यस इंगेजमेंट। अगर ये डायग्राम देखने को मिले तो जवाब क्या दोगे? यस इंगेजमेंट, इंगेजमेंट हो गया है। वहीं पे अगर दूसरा कंडीशन में बना देता हूं, फिर से देखेगा सर, ये बच्चे की मुंडी,
ये बच्चे की मुंडी, ये आपका ईस्टियल स्पाइन, बच्चे की मुंडी नीचे नहीं आई, एग्जामिनर के हाथ यहाँ आकर के क्या हो जाएंगे सर, एग्जामिनर के हाथ यहाँ आकर के आपस में जुड़ जाएंगे। अरे एग्जामिनर के हाथ मेरे दोस्त यहाँ आकर के क्या हो जाएंगे, अरे सर जुड़ जाएंगे। अगर जुड़ जाता है तो क्या बोल दोगे, नो एंगेजमेंट। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, आगे एग्जामिनर के हाथ जुड़ गए इसका मतलब बच्चा नीचे नहीं आया, नहीं आया तो नो एंगेजमेंट। अगर आगे गए 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 हाथ फेल गए मतलब बच्चे की मुंडी नीचे आ चुकी है। तो पहले एंगेजमेंट पता करोगे उसके बाद में डिसेंट पता करोगे, दैट्स क्लियर। तो ये चार प्रकार की लिवोपोड मेनवर होती है सर। इसका फोटो कैसा नजर आएगा देखिएगा, यहां देखो कि एग्जामिनर के हाथ किस साइड में आ रहे हैं सर, पहली बार माँ के पैरों की साइड में नजर आ रहे हैं एग्जामिनर के हाथ मेरे दोस्त। एग्जामिनर के हाथ पहली बार किधर नजर आ रहे हैं, एग्जामिनर के हाथ पहली बार मां के पैरों की साइड में। अब इसके हाथ क्या हो गए सर, जुड़ चुके हैं, हाथ जुड़ गया इसका मतलब नो एंगेजमेंट। और वहीं पे इसके हाथ अगर आगे की तरफ फैल जाते तो क्या बोल देते, यस एंगेजमेंट। इसे नाम क्या दोगे सर, इसे नाम दिया जाएगा लियोपोल्ड फोर्थ। इसे नाम क्या दिया जाएगा, लियोपोल्ड फोर्थ। इसे ही क्या बोलोगे मेरे दोस्त, ट्रू पेल्विक। इसे ही क्या नाम दे दोगे, इसे ही नाम क्या दे दोगे, ट्रू पेल्विक, या इसे ही नाम क्या दे दोगे मेरे दोस्त। तो जवाब देना है सर पेल्विक फर्स्ट। इसे ही नाम क्या दे दोगे, पेल्विक फर्स्ट। क्लियर हो गया। इंगेजमेंट के बारे में जानकारी कौन देगा, ये देगा। डिसेंट के बारे में कौन देगा, थर्ड देगा। क्लियर है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से बहुत शानदार तरीके से आप लोगों ने समझा होगा। अब उत्कर्ष परिवार की तरफ से होली स्पेशल आप लोगों के लिए क्या है, तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी होली इसी प्रकार से रंगों से भरी रहे, जिंदगी में जितनी भी खुशियां हैं वो सारी खुशियां मेरे दोस्तों आप लोगों को मिले, आप अपने और अपने माता पिता के सपनों को अच्छी तरीके से साकार करें। लेकिन उत्कर्ष परिवार स्पेशल होली ऑफर भारी भरकम आप लिए के क्या छूट लेकर के आया, तो नर्सिंग के तमाम कोर्सेज, नर्सिंग में तमाम कोर्सेज जो नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स के लिए बने हुए हैं उत्कर्ष क्लासेज में अवेलेबल हैं। जैसे कि नॉर्सेट जो आपका एम्स सबसे धांसू जो पेपर होता है वो वाला, एम्स पटना की वैकेंसी का कोर्स, जीएमसीएच का, यूपीपीएससी का, डीएमआर हरियाणा का, एनएचएम यूपी का, बीपीसीसीएचएन का, एमपीसीएचओ का, एनएम यूपी का, ये तमाम कोर्सेज पर उत्कर्ष परिवार की तरफ से बहुत बड़ी आपको डिस्काउंट है। होली स्पेशल ऑफर है जो क्या रहेगा, डिस्काउंट रहेगा अप टू 90%, 90% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन मेरे दोस्तों समय का ध्यान रखिएगा, सीट का ध्यान रखिएगा। ये ऑफर किसको मिलेगा, तो फर्स्ट 1000 स्टूडेंट को विशेष छूट हर ऑनलाइन कोर्सेज से पहले 1000 विद्यार्थियों के लिए, शुरुआती 1000 विद्यार्थी बस इसके लिए एप्लीकेबल होंगे, उसके बाद नहीं मिलेगा। अगर आपने 1001 नंबर के स्टूडेंट बनने की कोशिश की इसका फायदा नहीं मिलेगा, 90% तक डिस्काउंट का। बहुत बड़ी छूट है दोस्तों आपके सपनों को सुनहरा करने के लिए। लेकिन यह डिस्काउंट कब तक चलेगा, मात्र 5 दिन। होली स्पेशल ऑफर मेरे दोस्त ये 16 तारीख से लेकर के 20 मार्च तक, 16 से लेकर के 20 मार्च तक ये ऑफर वैलिड रहेगा, इसके बाद ये ऑफर वैलिड नहीं रहेगा। 90% तक का डिस्काउंट है। तमाम कोर्सेज जो आपके सामने अवेलेबल हैं इन सब का ऊपर छूट रहेगी, लेकिन सिर्फ 5 दिन के लिए रहेगी, नर्सिंग के विद्यार्थियों के लिए रहेगी। कोर्स परचेज करने का तरीका, आज ही प्ले स्टोर से उत्कर्ष क्लासेज के ऐप को इंस्टॉल करें, उसके अंदर नर्सिंग कोर्सेज जो आपको परचेज करना है उस पर जाएगा और बाय नाउ करके 90% तक के डिस्काउंट के साथ में इसको परचेज कीजिएगा, अपने और अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिएगा। 80,000 की वो सैलरी पाने के लिए एक अच्छे क्वांटिटी वाले कंटेंट को पढ़ने की जरूरत है, बस मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि उत्कर्ष परिवार ने आपके लिए बहुत बड़ा होली ऑफर दे दिया है। तो इस होली को और सुनहरा बनाइएगा और अपने जीवन में नए रंगों को रंग दीजिएगा और अपनी जो रंगीन जिंदगी को बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो आई होप मेरे दोस्तों आज की क्लास भी आप लोगों को अच्छे से पसंद आई होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देना, मैक्सिमम बच्चे तक इस क्लास और वीडियो को शेयर कर देना ताकि हर एक बच्चे को इसका फायदा मिले। ये इंफॉर्मेशन तमाम विद्यार्थियों को दे दीजिएगा, ऑफर 5 दिन के लिए वैलिड है और जिसमें सिर्फ स्टार्टिंग के 1000 स्टूडेंट को मिलने वाला लाइव फ्रॉम क्लासरूम और रिकॉर्डेड दोनों कोर्सेज पे, चाहे लाइव फ्रॉम क्लासरूम ले लेना चाहे रिकॉर्डेड ले लेना। क्लियर है? तो अच्छे से पढ़ते रहे, मस्त रहे, बने रहे उत्कर्ष परिवार के साथ और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।